सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धीरज मेहता अपने यूट्यूब चैनल फार्मा प्रोफेशनल कम्युनिटी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस द बेल आइकन जरूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एमफॉर्म रिसर्च वर्क, को आपको कैसा लगा उसको, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कृपया कमेंट और लाइक करके मुझे जरूर बताएं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है शोध गंगा। शोध गंगा ये वेबसाइट मैंने अभी अभी अपने एक सीनियर से पूछने के बाद ही इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची है। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहेंगे तो। शोध गंगा ये बेसिकली एक गुजरात के कुछ दो लेक्चरर्स ने मिलकर इस वेबसाइट को डेवलप किया है। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान के जितने भी थेसिस, जितने भी रिसर्च रिलेटेड वर्क किसी भी फील्ड के, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जितने भी रिलेटेड जो शोध पत्र होते हैं, जो थेसिस होते हैं, जो सिनॉप्सिस होते हैं, उसका पूरा एक खजाना है, एक रिजर्वायर। इसलिए अगर आप देखना चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं, शोध गंगा ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थेसिस एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थेसिस डिसर्टेशन इन्फ्लेमेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ होम का एक ऑप्शन है, अबाउट अस, रिसर्च ब्राउजर, यूजीसी नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट नोटिफिकेशन के कमीशन इसके ऊपर आते रहते हैं, गाइड ट्यूटोरियल, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी आप गाइड ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैं इसकी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इससे आप समझ सके कि इसके इस्तेमाल किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड एमओयू और हाउ टू साइट, हाउ टू कन्वर्ट एंड थेसिस टेम्पलेट। यहाँ पर थेसिस टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड थेसिस का फॉर्मेट किस तरह से होता है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर और एडमिनिस्ट्रेटर इसमें लॉगिन कर सकते हैं ताकि इसकी कोई भी सुविधा आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, एडवांस सर्च, सब्जेक्ट, गूगल सर्च, इसको कैसे यूज किया जाता है इसका मैं एक डेमो आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप हाउ टू साइट, आप थेसिस का कोई नंबर डाले तो इसके ऊपर साइटेशन का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये पूरा जो डेटा है ये कम्प्लीटली साइटेड है। यहाँ पर इसके लेटेस्ट अपडेट, वीडियोस, फोटोज आएंगे जिससे आपको इसके डेली अपडेट्स पता चलेंगे। इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने खुद के थेसिस इसमें अपलोड करते हैं ताकि किसी को अगर एज अ रेफरेंस के तौर पर अपना कोई भी थेसिस अपनी फील्ड रिलेटेड ढूंढना हो तो उसे एज अ इंडिविजुअल किसी अलग वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर पर शोध गंगा लिखिए और आपको आपका थेसिस मिल जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड शोध गंगा, एंटी प्लेगरिज्म शोध, शोध गंगोत्री कॉलेज, इस तरह से आपको दिखेंगे। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी, वीबीएस, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी उसके नाम डाले हुए हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 280389 फुल टेक्स्ट थेसिस इसमें दिए हुए हैं, इतने थेसिस मतलब इस वेबसाइट पर अपलोड है। 7650 सिनॉप्सिस है, 457 यूनिवर्सिटी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है, 457 और 526 यूनिवर्सिटी इसमें इन्होंने इसके साथ साउंड एमओयू किया हुआ है। प्रोफेसर जेपी सिंह जोरेल, डायरेक्टर इन्फ्लेमेट सेंटर, इन्फोसिटी, गांधीनगर, गुजरात, ये इनके कॉन्टैक्टर्स के डायरेक्टर लगते हैं मुझे वेबसाइट पर देखने के हिसाब से। मिस्टर मनोज कुमार के, ये इसके साइंटिस्ट लगते हैं। इन लोगों ने ये जो भी काम किया है ये बहुत अप्रिशिएबल है और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार तो भी इस वेबसाइट पर जाकर अपने थेसिस रिलेटेड जो भी देख सकते हैं। मैंने खुद भी पर्सनली इसके ऊपर जाकर दो तीन बार विजिट किया हुआ और मेरे थेसिस से रिलेटेड एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें से निकाली हुई है। तो चलिए, आपको ये तो एक ओवरलुक हो गया, एज यू कैन सी ऑन दिस माई लैपटॉप स्क्रीन यू कैन सी दैट दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट शोध गंगा। आई विल शेयर विथ यू दिस कंप्लीट लिंक ऑफ दिस शोध गंगा सो दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट योर थेसिस रिलेटेड वर्क एंड थैंक यू वेरी मच। सो शल वी गो अगेंस्ट, एज यू कैन सी ऑन दिस रिसर्च सर्च स्क्रीन आई जस्ट टाइप फार्मेसी। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर फार्मेसी यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। मैं यहाँ पर इसके सर्च के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ उससे आपको यहाँ पर एक नई स्क्रीन इसमें खुलने शुरू हो जाएंगी। इसमें मिरर शोध गंगा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इस शोध गंगा की मदद से कोई भी थेसिस को आप इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट निकाल कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। मैं अपना एक आने वाला वीडियो हाउ टू डेटा रिट्राइवल इसके ऊपर एक और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिल जाएगी कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जर्नल हाउस से, जनरल से, रिसर्च आर्टिकल से, रिव्यू आर्टिकल से, उसे पढ़ना किस तरह से है, उसकी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है और उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको लिखना कैसे है आपकी, इसमें इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नया स्क्रीन खुल चुका है, ये शोध गंगा रिजर्वायर ऑफ इंडियन थेसिस।
यहाँ पर मैंने मिरर शोध गंगा सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऑल शोध गंगा, कहने का मतलब जब मैं इस ऑप्शन को खोलता हूँ यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल शोध गंगा ऑप्शन दिख रहा है और नीचे फॉर फार्मेसी, मतलब फार्मेसी के रिलेटेड जो भी शोध गंगा के जितने भी खुलेंगे ऑप्शन वहां पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल चुका है ऑल शोध गंगा आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अयोध्या आदेश यूनिवर्सिटी, ये जितने भी अल्फाबेटिकली सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर कहीं फार्मेसी की ब्रांच रन हो रही है तो उन यूनिवर्सिटीज के फार्मेसी के जो स्टूडेंट शोध गंगा पे अपना खुद का रिसर्च डालते हैं ताकि हिंदुस्तान में बैठा कोई भी छात्र अपने इस वेबसाइट पर जाकर आराम से थेसिस और किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सके, ढूंढ सके। और अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रायर चाहिए लेकिन आपको किसी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है और उसी रिसर्च को हिंदुस्तान में पहले किसी ने आपके तरह ही वर्क करके रखा है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं बिना समय गवाए, और आप अपनी दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, अपने स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर अपने महाराष्ट्र की संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी भी है जिससे मैं खुद पढ़ा हुआ और मेरे काफी मित्र भी यहीं से पढ़े हुए। तो चलिए मैं इसमें तो ऑल शोध गंगा का ही ऑप्शन रखूंगा क्योंकि मुझे कोई भी थेसिस चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप राइट साइड लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डिस्कवर कीवर्ड्स में फार्मेसी, क्लिनिकल रिसर्च फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, ड्रग, कोलॉजी, फार्मेसी, कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेस, कौन से ईयर के आपको थेसिस चाहिए, 1995 से 1999 के रिलेटेड जितने भी थेसिस है आपको दिख जाएंगे। कॉलेजेस के नाम भी अगर दिख जाएंगे, जो नामी गिरामी कॉलेजेस होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इसके ऊपर थेसिस डालने के लिए अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टाइटल के तौर पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं टाइटल डाल दूंगा यहाँ पर और मैं इसमें चाहूँ तो मैं कोई भी ऑप्शन डाल सकता हूँ, जैसे केमिस्ट्री मैंने यहाँ टाइप कर दिया, मैंने इसमें इसे ऐड कर दिया और देन रिजल्ट एंड पेजेस ऑल अपडेट्स सॉर्ट बाय आइटम इन ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑथर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे अगर समझिए कि अगर मुझे केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई थेसिस चाहिए मैं केमिस्ट्री के रिलेटेड उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है फिलहाल। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसके रिलेटेड कोई और थेसिस अपन देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपको अपने खुद के थेसिस की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए इस वेबसाइट के सर्च ऑप्शन को किस तरह से हैंडल करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप का थेसिस चाहिए, कैसे चाहिए। तो हम फिर से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी के रिलेटेड, तो हम इसमें फार्मेसी की एक टॉपिक फिर से एक बार क्लिक करते हैं दोस्तों और देखेंगे कि यहाँ पर 383 लिखा है, मतलब इसमें 383 रिलेटेड कोई फाइल होंगी। हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें से क्या डेटा निकालना है। मैं आपको एज एक डेमो और एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सर्चिंग चल रही है, सर्चिंग अभी पूरी हो चुकी है। इसमें यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने खुद के थेसिस डाले हुए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन खुल चुका है। तो अपलोड डेट किस डेट पर अपलोड किया था, 17 सितंबर 2014। इनके इन साहब का टाइटल है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ सम ड्रग। इनके रिसर्चर का नाम चोकुसे राजू और गाइड थे इनके ये। अगर हम इस ऑप्शन पे और क्लिक करते हैं या फिर फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट, इनमें से अगर आपका कोई भी रिसर्च वर्क इसके रिलेटेड है तो आप इन ऑप्शन पर क्लिक करके इनकी फाइल्स को पढ़ सकते हैं, इतनी सुविधा इसमें दी गई है। कुछ कुछ फाइल्स इसमें स्ट्रिक्टली साइटेड होती है, मतलब आपको इस वेबसाइट को कुछ फंड के तौर पर $5 या $15 पे करना होगा, जो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें आपको इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी और आप कितनी भी बार कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके एक ऑप्शन करके बता दूं। इस फर्स्ट ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम पर, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन खुल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें सारी चीजें जैसे इन्होंने फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, रिसर्चर का नाम चोकुसे राजू, गाइड का नाम समागमेश्वर वारंबी, ऐसा कुछ तो भी है। कीवर्ड्स फार्मेसी है, अपलोड डेट 17 सितंबर 2014, मतलब आज से कई 6 साल पहले पुराना है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इसके ऊपर सब कुछ डाला हुआ है, इसकी URL लिंक भी डाली हुई है और इन्होंने इनकी सारी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया ताकि अगर आपका थेसिस का टॉपिक इस नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर कोई भी रिसर्च बनाना रहा आपको तो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड आपकी कोई नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो आप इसको देखकर
इसका रेफरेंस लेकर अपने थेसिस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने गाइड से डिस्कस कर सकते हैं। और ये वेबसाइट को काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं चलिए आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये धीरे धीरे अपना ऑप्शन ले रहा है और सर्चिंग के लिए जा रहा है। जैसे आप बता सकते हैं कि कोविड का समय चल रहा है, तो अभी सभी लोग ऑनलाइन ही रहते हैं, तो काफी इंटरनेट की स्पीड सारे सब तरफ स्लो हो गई, क्योंकि काफी लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सर्चिंग के ऑप्शन में देख सकते हैं, तो अगर जब तक ये सर्च होता है तब तक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य बहुत सिंपल है, कि जो जो छात्रों को रिसर्च करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनके लिए मेरे अनुभव से मैं अपने हिसाब से आपके साथ मेरे अनुभव शेयर करूंगा, जिससे काफ़ी मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि शायद ये एब्स्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक रिसर्च का जो सार होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट खुल गया दोस्तों। तो अगर द रिसर्च पर्पज ऑफ द रिसर्च वर्क वॉज टू फॉर्मुलेट एंड इवेल्युएट ऑफ फ्लोरोनिक लेसिथिन ओरानोजेल कंटेनिंग नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब पैरासिटामोल की फैमिली का ड्रग, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग फॉर अ टॉपिकल एप्लीकेशन, इसका ये एक एब्स्ट्रैक्ट है इन्होंने डाला हुआ है। अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट अगर पूरा पढ़ लिया, तो हम एब्स्ट्रैक्ट को ऑफ करने के बाद हम जाएंगे चैप्टर्स की तरफ। चैप्टर्स में हम जाएंगे यहाँ नीचे, मैं एक ऑप्शन और आपको ओपन करके बताता हूँ। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे, ये एक पूरी तरह से ओपन सोर्स थेसिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ थेसिस ओपन करने के लिए आपको शायद पेमेंट भी करना पड़े, या फिर उसकी पूरी फाइल ना खुलते आधी फाइल ही खुलेंगी। तो अगर आपके पास अगर सचमुच कुछ अमाउंट है, तो आप अपना अमाउंट इसके पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन खुल गया, इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रांसडम डिलीवरी सिस्टम, तो ये पूरा एक सर्च इंजिन 19 छात्रों के लिए है जो रिसर्च के तौर पर इसके ऊपर देखना चाहते हैं। यहाँ पर काफी सिस्टमेटिक मैनर से ये मिस्टर ने लिखा हुआ है कि ट्रांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या क्या होता है, इसके सारे इनकी चीजों को उन्होंने साइट किया हुआ है। काफी अच्छे से इन्होंने इसकी फॉर्मेटिंग की है, रेफरेंस का जो क्रॉस रेफरेंस सेक्शन होता है वो भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने। स्किन का मतलब क्या होता है, स्किन की डायग्राम्स दी हुई है इन्होंने, और एज अ 45 पेज का पूरा इंट्रोडक्शन इन्होंने पार्ट दिया हुआ है। तो आपके थेसिस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर इसका रेफरेंस लेकर देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, कितने सिस्टमेटिक मैनर में लिखा जाता है, कोई भी चीज़ का फेकनेस आप नहीं रख सकते। तो ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस तरह से अपने थेसिस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसका एक वो बता देता हूँ, यहाँ पर साइन इन का भी ऑप्शन है, इस साइन इन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा, जैसे ही आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपने ओपन कर लिया, ओपन कर लेने के बाद आपको वहां पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के ऑप्शन में आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे, जो भी टॉपिक्स दिखते हैं, जो भी कीवर्ड्स दिखते हैं, आप जाइए फटाफट अपने फार्मास्यूटिकल साइंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिसिनल प्लांट ड्रग, कैंसर, केमिस्ट्री ड्रग, मेडिसिनल प्लांट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, जो भी रिसर्च आप करना चाहते हैं जस्ट कीवर्ड पर क्लिक कर दीजिए, उतने रिलेटेड आपको साइट्स खुल जाएंगे। जो भी यूनिवर्सिटी का है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फार्मेसी रिलेटेड फार्मेसी कर लीजिए, करंट फिल्टर कीवर्ड्स कौन से डालने हैं आपको, इक्वल रखना है, कंटेन रखना है, आईडी अगर उस थेसिस की अगर पहले से जनरेटेड है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में थेसिस की आईडी भी जनरेट की जाती है, तो आईडी, और कौन सी ब्रांच रिलेटेड है तो फार्मेसी रिलेटेड है, कौन से फिल्टर आपने लगाए तो इतने सारे फिल्टर्स लगाए, फिल्टर लगा के जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके थेसिस आपको मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी ईजीली और काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें थेसिस और रिसर्च करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और सबके साथ शेयर कीजिए, अपने गाइड के साथ भी शेयर कीजिए, उनके व्यूज़ लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज फार्मा प्रोफेशनल कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, वी ग्रो द कम्युनिटी, वी हेल्प द कम्युनिटी, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।